कहानियां लिखने के लिए कागज और कलम नहीं, बल्कि जरूरत होती है एक जज्बे की, एक चाह की, कुछ नया सीखने की और कुछ नया करने की। आइए ऐसे कुछ लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सिर्फ अपने जज्बे से अपनी कहानियों को एक नया मोड़ दिया, एक नई शुरुआत दी। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज सेगी जाउल, आई लिविंग फ्रॉम बर्धन डिस्ट्रिक्ट। माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बीए कंप्लीट 2013 पर। माय प्रेजेंट वर्किंग नॉलेज है, माय प्रेजेंट वर्किंग जनरल की फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 12 नवंबर 2013, स्टिल डेट नाउ। थैंक यू, हैव अ गुड डे। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। रजौल को अंग्रेजी तो नहीं आती थी, लेकिन उन्हें अंग्रेजी की इस कहावत पर बड़ा यकीन था, इसलिए रजौल ने जब अंग्रेजी सीखने की ठानी तो कुछ ऐसी दिखी उनकी कहानी। मैं बर्धन डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव पन्ना बोल के वहाँ से हूँ। मेरा परिवार में पापा, मामी, ब्रदर है, पिताजी खेत के काम करता है, मेरा ब्रदर है वो टी का शॉप है। छोटे वाला से मेरा शौक है, जब मुझे बाहर जाना है, बाहर जाके बड़ा बड़ा आदमी बनना है, इसलिए मुझे गांव छोड़ के बाहर आ गया। बाहर आके बाहर का दुनिया लोगों के मिला तो सब लोग इंग्लिश में बात करते थे, हम उसको देखते थे कैसे इंग्लिश में, बहुत अच्छा लगता था। तो हमने सोचा जब हम इंग्लिश में बात करना बोलेंगे तो अच्छा लगेंगे। कंपनी ने इंग्लिश क्लास के लिए सुझाव मिला, सबसे सुझाव ऑफिस में हो रहा है तो क्यों नहीं, थोड़ा बैंक छोड़ कर बोला जा मुझे इंग्लिश क्लास करना है। मेरा इंग्लिश क्लास 8 बजे से होता है, मैं 7 बजे 6:30 बजे उठ जाता था, ब्रश ट्रश करके चंटन करके खा लेता था तो इंग्लिश क्लास के लिए निकल जाता था। उसके बाद 2 घंटा इंग्लिश क्लास चलता था, 2 घंटे के बाद ऑफिस में 10-15 मिनट खूब जगह आधा घंटा हम लोग जाते थे तो फील्ड में तुरंत आ जाता है, फील्ड में काम निपटा के 6-7 बज जाता है तो ऑफिस जाके जो काम है ऑफिस चला जाता है। उसके बाद ऑफिस का कुछ काम होता है तो मिट के रूम पे चला जाता है, रूम पे जाके इंग्लिश पेपर होमवर्क वगैरह। मेरा IGP पे बैंक में सिलेक्ट हो गया, ठीक है, तो एक महीने दो महीने के अंदर मैं बैंक में चल जाऊँगा। यहाँ का जो कस्टमर है और बैंक का जो कस्टमर है बहुत फर्क है। यहाँ पे बांग्ला में मैं ठीक ठाक मैनेज कर लेता हूँ, वहाँ सब कस्टमर बंगाली वाले ही है, कोई फिक्स डिपॉजिट करेंगे 2 लाख 5 लाख 10 लाख सब तो इंटेलिजेंट होगा ना, तो इंग्लिश में बात करना होगा। 1.5 साल पहले मुझे देखना चाहिए तो मैं पूरा गांव के एक लड़का था, मुझे गांव की तरह बिहेव करता था यहाँ पर, तो यहाँ का बहुत कुछ चेंज हुआ। पहले से इंग्लिश ठीक से पढ़ना नहीं आता, अभी अच्छे से नहीं पढ़ सकता हूँ रीडिंग, तो इंग्लिश कोई बोलता है तो समझ सकता हूँ जो बोल रहा है। मुझे बड़ा पोस्ट में पहुँचना है, मुझे सब मुझे सम्मान कर सकते हैं ऐसा पोस्ट में, मुझे बड़ा बनना है। मेरे पिताजी बिहार के पॉलिटिक्स में एक एक्टिव पॉलिटिशियन है, पंचायत चुनाव से उन्होंने स्टार्ट किया था और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA हमारे कंस्टिट्यूएंसी से हैं। मैं 2 भाई और 1 बहनों में छोटा था, इसलिए मैं परिवार का बड़ा लाडला और प्यारा था। अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया, उस हाई स्कूल में मैं टॉपर था, अपनी मेहनत से अपने परिश्रम से वो मार्क्स वो स्थान प्राप्त किया था मैंने, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे कलीग, बहुत सारे पड़ोसी रिश्तेदार मुझे कमेंट करते थे कि ये तो हमारे राजनीतिक परिवार का जो इन्वॉल्वमेंट था उसके बदौलत मिला है। मुझे बड़ा बुरा लगता था, फील होता था, और मैं हमेशा उन्हीं कमेंटों से मैं मोटिवेट होता था। जब मैंने MBA कंप्लीट कर लिया, अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, तो उस टाइम मुझे एक ऑफर बहुत अच्छे कंपनी, बड़ी कंपनी से मिला, जिस कंपनी में मैं जाता तो मतलब अच्छे प्रोफाइल पे जाता, अच्छा पैसा मिल रहा था मुझे,
लेकिन मुझे एहसास होने लगा कि ये जो चीज़ मुझे मिल रहा है ये मेरे काबिलियत से नहीं मिल रहा है, और वो मुझे झकझोड़ने लगा, कचोटने लगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उस कंपनी को छोड़ा, मुझे अफसोस था, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं कुछ अपने से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और वो मेरा अपना डिसीजन था। जन लक्ष्मी में ज्वाइन किया था, उस टाइम पे मेरा जो डिजिग्नेशन था वो सीनियर एग्जीक्यूटिव का था। मुझे फील्ड में जाना होता था, फील्ड में काम करना होता था। फील्ड हमारा स्लम्स एरिया होता था, जो मैं उससे पहले कभी नहीं गया था। उस जगह को देख के मुझे बहुत दुख लगा कि आज भी देश में लोग इस जिंदगी को जी रहा है। और गुड्डू ने ठान लिया कि वो लोगों को उनकी कहानी लिखने में मदद करेंगे, और जब वो इस मकसद से जुड़ गए तो उनकी खुद की कहानी अपने आप ही आगे बढ़ने लगी। आईजेपी की वजह से सिर्फ एक साल में गुड्डू सीनियर एग्जीक्यूटिव से जन सेंटर हेड बन गए। आईजेपी के थ्रू मैं इंटरव्यू अटेंड किया, पैनल बैठा हुआ था, मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, माइक्रो फाइनेंस में 3.5 साल से आप काम कर रहे हो, बैंकिंग का कोई नॉलेज नहीं, आपको कैसे हम लोग बैंक के लिए सिलेक्ट करें। मेरा जवाब था कि सर आप ये कैसे बोल सकते हो कि मुझे बैंकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं पिछले 12 सालों से बैंकिंग सर्विस अवेल कर रहा हूँ, मुझे बैंकिंग के हर प्रोडक्ट के बारे में, हर सर्विस के बारे में पता है, तो मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 0 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है। तो मुझे पता चला कि मैं ब्रांच मैनेजर के लिए सिलेक्ट हो गया, तो सबसे पहले मैं अपने माताजी को फ़ोन किया, तो वो बहुत खुश हुई। फिर उनको मैं बोला आपके पास बैंक अकाउंट नंबर नहीं है, और मैं आज बैंक ब्रांच मैनेजर बन गया, और मैं ये निर्णय लिया हूँ कि मैं जब मेरी बैंक की ब्रांच हमारे शहर में खुलेगी तो मैं अपने साथ ले जाके अपने ब्रांच में आपका अकाउंट खुलवाऊँगा, आपका फर्स्ट अकाउंट हमारे बैंक में ही खुलेगा। I belong to a joint family. Amma is a homemaker. Appa works for district commissioner's office. I have 3 siblings. I'm the eldest. There was restrictions right from the family only. So when I completed my plus two, my grandmother started speaking about that, you know, you have to get married. You have other, after her, you have other 3 female kids. After she passed away, my uncle started. Then, of course, relatives and neighbors, they still talk about that and me getting married very soon. Appa always wanted to be an IAS officer, in fact. For family conditions or whatever little they had, they couldn't even get their education done completely. So whatever he couldn't do, he saw his dream coming true on whatever I did. He never said no to anything. In fact, I have to go to this camp and it's very important. That would be an exposure for me. I still remember he had to, you know, borrow money from somebody else and sponsor my trip to Chhattisgarh. That's the support I got from my dad. And you can call, I am Appa's son. अपने पिताजी के इस प्रोत्साहन से शिल्पा ने अपनी कहानी खुद लिखने की ठान ली, और वो जनलक्ष्मी से जुड़ गई। अपनी मेहनत और जज्बे से शिल्पा साउथ रीजन की पहली महिला जन सेंटर हेड बन गई, जहां उनके अंडर थी 40 मेंबर्स की एक टीम। एक्सेप्टिंग अ फीमेल और अ लेडी हैज देयर लीडर इज क्वाइट डिफिकल्ट टू एनीबॉडी, एंड स्पेशली यू आर अ विंटेज गाय इन द सिस्टम। इन एवरी एज ग्रुप आई हैव माय एम्प्लॉइज हियर एंड दे कम फ्रॉम वेरियस डिफरेंट कल्चर्स। There are even people who unke experience ke barabar not even my age is. So I'm asking you, you're doing it is all fine. When you're not doing it and I scream at you, it makes difference. There the challenge lies. So you have to learn from them and then be a boss to them. When it comes to my personal feedback to Jana compared to my ex-colleagues or my friends, my post-graduation friends who've been into other IT fields, I'm paid equally as any other IT guy. जनलक्ष्मी के अच्छे कॉम्पेंसेशन की मदद से शिल्पा ने छोटी सी उम्र में अपनी बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा ली और उसे रायचूर से बैंगलोर बुला लिया।
जहां के बेहतरीन कॉलेज में वो अपने सपनों को पूरा कर सकती है। Even I want to be like my sister. That was a statement she made. It's 100% true. After my dad, I think she is my second dad. ना हम बड़ी बातें करते हैं, ना हम बड़े दावे करते हैं। जन परिवार में हम लोगों को बस एक कलम देते हैं, जिससे वो अपनी किस्मत लिखते हैं, अपनी कहानियां लिखते हैं।